कुछ नहीं मिलेगा बेवफाइयों के अलावा। एक माँ अपने बच्चे को पाले, शादी के बुढ़ापे के बाद बच्चे होंगे, उसके बीवी होगी, कहाँ पूछता है बूढ़ी माँ को, बूढ़े वालिद को, सब भूल जाते हैं। ये तो दिल को अच्छा रखने के लिए तो आप सोच सकते हैं कि नहीं नहीं सब आखिरी दम तक जो है वो सबको कुर्बान करके मेरे साथ रहेगा। कितने घरों की एग्जाम्पल्स हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं, लड़ते हैं उसी जायदाद के ऊपर, उसी माल के ऊपर। किसके लिए किया सब कुछ, किसके लिए जिंदगी लगाई। एक माँ इतनी तकलीफ से गुजरती है, बच्चे को पालती है, पाल पोस के बड़ा करती है। 15-18 साल का बच्चा होता है, बोलता है मॉम यू नो नथिंग, आपको पता ही नहीं, आप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स। आपकी जो पुरानी जनरेशन है ये किसी सब कुछ तबाह कर दिया इसने, आप बोझ है धरती पे, आप किसी काम के नहीं है। बदतमीजी फिर वो करे, आप किसी मुलाजिम को पाले क्या होगा एंड के अंदर, कोई 5,000-10,000 ज्यादा दे देगा, आपको देखेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं। किस कहां से गारंटी लाऊं कि आपको दुनिया रिवॉर्ड बैक कर देगी, पे बैक करेगी। कौन पे बैक करता है? बीवी कितना बर्दाश्त करती है शौहर के लिए, शौहर कितना बर्दाश्त करता है बीवी के लिए, क्या गारंटी है कि सब चलेगा साथ? एक दिन रास्ते अलग हो सकते हैं, तो ये गारंटियां कहीं नहीं मिल सकती। आज जो कर रहे हो वो अल्लाह के लिए करो, आज जो कर रहे हो वो अल्लाह के लिए करो, क्योंकि कल एक माँ अपने बच्चे को थोड़ी ना देखेगी उस दिन, बच्चा वालदैन को थोड़ी ना देखेगा उस दिन।